अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था, तब हम वहाँ पहुँच गए और क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी तो पिताजी हमें माफ कर दीजिए, जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते। किसके घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बिगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी, तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग, उन्हें किसी भी तरह मना कर मैं ले आऊंगा। बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों, उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ, उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना, वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं, एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? ए, अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे, क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे बिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे दो दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम, देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ए, ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब, कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है, तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है, बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का ये हक है और सम्राट का ये काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम कर। इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी, करवा लो उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं। अरे अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल चोरनी, बड़ी माँ देखो, बड़ी माँ इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब,
खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना, उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो। मैं चला फिर रास्ते। ए, ए, अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए, इस जन्म में तो नहीं नहीं शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती है ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो, प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है, इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने, जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई आपने बता दी। मतलब सम्राट को गोद लेकर बेटी का? उल्टा पड़ गया। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है, उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। साहब, बड़े साहब से अपनी शादी के बाद कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है, बात तो हो गई समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चीटा। चाहत। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं अब, असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहां पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं, अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी, घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है, इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है, चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी, हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं, जवाब दीजिए।
तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़कर तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। इनके परिवार का निजी मामला है, चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट क्या है ये सब, तुम इनकी बात को टाल रहे हो? मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट, तुमको तो मैं मेरी बात सम्राट राम भरोसे, तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है, चल चल बाहर निकल, चल चल बाहर। सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को, ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था, चल भाग यहाँ से, दफा हो जा।